जय सियाराम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं माता सीता और रावण के बारे में। आखिर क्या संबंध था दोनों का? क्या रावण की पुत्री थी माता सीता? आइए जानते हैं। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकरा कर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। क्योंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे सीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माँ सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहाँ जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता स्वयं को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, वहीं वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। जहां एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगनी बनी। वहीं अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। रावण के अपने विनाश के बीज भी तार्किक रूप से इन्हीं कथाओं में गुथे गए हैं। अद्भुत रामायण की इस घटना से पहले जो कथा जुड़ती है वह है वेदवती की। दरअसल ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कथा आती है, जहां से रावण के अंत की कथा भी जुड़ती है। कहते हैं रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माँ सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इसी दौरान एक दिन जब रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखा तो मोहित हो गया। वह कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। तब वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से करना चाहते थे, परंतु एक राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता का भी देहावसान हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके नहीं मानने पर उसने वेदवती के केस पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े गए बालों को काट दिया और दौड़ते हुए अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। वही वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। अद्भुत रामायण के प्रसंग के अनुसार ही दंडकारण्य में गृत्स्मद नाम का एक ब्राह्मण था, जो माँ लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कूस के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदे समर्पित करता था। कहते हैं उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चलता रहता था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गृत्स्मद वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वही मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से
सहारदी पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं थी। कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं हैं, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।